नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। मैं हूं आज झाऊबाड़ी दक्षिण दिनाजपुर पश्चिम बंगाल के भारत में, पश्चिम बंगाल में दक्षिण दिनाजपुर जिले में झाऊबाड़ी बोल के एक इलाका है जहां पर बहुत सारी सब्जियों की खेती की है, वेजिटेबल्स की खेती की जाती है जो कमर्शियल कल्टीवेशन है। मैं आपको दिखाता हूं यहां पर ये जो खेत है, ये परवल का खेत है। ये परवल को मैं नज़दीक से दिखाता हूं, ये परवल ग्रो करते हैं यहां पर। परवल यहां पर बहुत ज़्यादा ग्रो होती है और ये फेंस बना के परवल के ग्रो करते हैं इस तरह से। और ये दिखाता हूं मैं कैसे ये फेंस बनाते हैं। तो एक एक बम्बू के पोल्स ये बनाते हैं यहां पर। बम्बू पोल्स मतलब के बांस के करीब 4 फुट का हाइट का पोल्स यहाँ पर इरेक्ट करते हैं। उसके बाद जो मोटे धागे से क्रिस क्रॉस करते हैं और उस धागे के ऊपर पटुए की जो संटी होती है वो डाल देते हैं करीब 12 इंच के गैप में। और इस तरह से ये जो मचान है, ये मचान बनाते हैं और मचान के ऊपर इस तरह की सब्जियां, तरह तरह की जितनी तरह की सब्जियां होती है ये इस तरह की मचान में ये ग्रो करते हैं। और ये मचान बहुत सस्ता पड़ता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता और काफ़ी टिकाऊ होता है और इसमें काफ़ी सब्जियाँ काफ़ी अच्छी होती है। ये देखिए केले भी उगाते हैं रास्ते के किनारे। और इधर जो आप देख रहे हैं ये जिमीकंद है, जिमीकंद के पौधे हैं ये, जो हम लोग को बिग आराम कहते हैं, जिसको हम ओल भी कहते हैं। और ये एलिफेंट फूट या हमें जिमीकंद जो करीब काफ़ी दिन लगते हैं, करीब 1 पाव की जो सीड होती है, 1 पाव की जिमीकंद यहाँ पर लगाया जाता है। और जब ये हार्वेस्ट की जाती है करीब 20 से 30 किलो की जिमीकंद होती है, तो बहुत बड़ी जिमीकंद ग्रो होती है। ये हाइब्रिड वैरायटी की जिमीकंद है और आजकल यही बाज़ार में बहुत प्रसिद्ध है। तो ये देखिए इसके पौधे ऐसे लगाए जाते हैं, इसका रो में लगाए जाते हैं और मिट्टी को ऊंचाई करके इसको बीच में से एक नाला टाइप का बनाया जाता है जहाँ पर पानी का बहाव होता है और इससे क्या होता है, इसमें पानी जम नहीं पाता है पौधे के नीचे। इस तरह से जो देख रहे हैं ये है अरबी, इसको हम टैरो कहते हैं इंग्लिश में। ये अरबी बहुत उगाई जाती है यहाँ पर। ये अरबी उगाना बहुत आसान है, छोटे छोटे अरबी के सीड्स जो हैं वो लगाए जाते हैं और वो करीब 3 महीने में मैच्योर हो जाते हैं। बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा केयर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत जल्दी ये ग्रो कर जाते हैं। और बरसात के दिनों में ये बरसात का पानी से ये खुद ग्रो हो जाते हैं और 3 महीने बाद करीब इसका हार्वेस्ट की जाती है ओल की। ये हम चल रहे हैं अभी दोनों साइड में जो देख रहे हैं परवल की खेती है। हम लोग पूरे टीम हम लोग जा रहे हैं स्नेक बीन यानी कि जो बरबटी होती है, बरबटी की खेती की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जहाँ पर देखने के लिए कि बरबटी की खेती कैसे होती है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इस तरह के पूरा जो इलाका है सब्जियों की खेती होती है और काफ़ी अच्छा इलाका है जहाँ पर सब्जियों की खेती का इसके स्पेशलिस्ट माहिर है। तो हम चलते हैं जहाँ पर, दिखाता हूँ मैं आपको कैसे बरबटियाँ लगती है, जो हाइब्रिड वैरायटी की बरबटी है। ये देखिए बरबटी लगी हुई, जस्ट यहाँ पर शुरुआत हुई है अभी बरबटी के पौधे में बरबटी आना। ये अभी गर्मी की शुरुआत है, यहाँ पर अभी सब्जी लग रही है और आप देख रहे हैं कि यह बरबटी काफ़ी लंबी है, करीब 12 इंच से लेके 18 इंच तक लंबी है। ये हाइब्रिड वैरायटी की बरबटी है, काफ़ी प्रोटीन होती है इसमें, काफ़ी विटामिन होते हैं और सब्जी के हिसाब से काफ़ी फ्रेश होती है ये खाने के लिए बरबटियाँ। और 1-2 पौधे आप घर में लगा लेंगे, आपके किचन गार्डन में जो अगर 2 पौधे ऐसे बरबटी के हो जाएगा तो सारा 2-3 महीने 4 महीने के आपके बरबटी का पूरा आपका घर का किचन का जो सामान है वो आ जाएगा आपका सब्जियाँ। तो इस तरह से ये बरबटियाँ ग्रो कर रही है, तो आप ये भी ग्रो कर सकते हैं और बहुत अच्छा रहता है। आप किचन गार्डन कीजिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए और इस तरह की, और इसमें कोई भी केमिकल की ज़रूरत नहीं है, कोई रासायनिक खाद की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो कंपोस्ट दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। और इतना सा है कि अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो तो नीम की खली के भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर कीड़े मकोड़े के लिए। इस तरह से आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्शियल फार्मिंग करना चाहते हैं तो थोड़ा जो है जो केमिकल के भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमारे तोरई का इलाका है, ये तोरई की खेती हो रही है यहाँ पर, देख रहे हैं आप। यहाँ से जो मचान है, मचान से ये तोरई जो है यहाँ पर, बंगला में इसको झींगे कहते हैं, इंग्लिश में रिजगोट कहते हैं। इस तरह की आप ग्रो कर सकते हैं और ये जस्ट शुरुआत हुई है और 1 महीने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर भर जाएंगे, इतनी सारे तोरई ग्रो होंगे। ये तोरई हाइब्रिड वैरायटी का है, करीब 150 से लेकर 300-350 ग्राम तक वजन होता है इस तरह के तोरई का। तो ये भी आप ग्रो कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है इस तरह के सब्जी का ग्रो करना। ज़्यादातर अगर ये दिखता हूँ मैं नज़दीक से दिखाता हूँ कि कैसे ये रिजगोट है, ये कैसे ग्रो शुरू हुए हैं। और पीछे के साइड में मैं दिखाता हूँ आपके कितने फूल आए हैं, सैकड़ों हजारों फूल आए हैं इस पौधे सब में। और इसका ग्रोथ अभी शुरुआत हुई है और आगे आगे चल के इसे हजारों फल आएंगे। इस तरह के जो सब्जियां हैं ये आसानी से आप इस तरह का मचान बना के, थोड़ी सी 1-2 कट्ठा भी ज़मीन है आपके घर के पीछे, तो इस तरह का आप पौधे ला के हाइब्रिड सीड्स ला के 5 रुपये की सीड ले आएंगे तो बहुत होगा। एक एक वैरायटी के 5-5 रुपये की सीड ले आइए तो 4 वैरायटी के पौधे आप लगाएंगे 2 कट्ठे ज़मीन में, तो करीब 15-20 रुपये की सीड में आपका काम हो जाएगा।
तो इस तरह से आपको मैंने दिखाया, रीज गोट दिखाया, ओल दिखाया और परवल दिखाया, तरह तरह की खेती दिखाई आपने और स्नेक बीन भी दिखाया मुझे आपको। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर जरूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं यार दोस्तों के साथ शेयर करना तो जरूर से शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आगे चल के मैं बहुत सारे वीडियो देने वाला हूँ। इस चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल में आते रहिए, बहुत सारी जानकारी देता रहूँगा।